हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए अनबॉक्स करने वाला हूँ फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे ओशान कंपनी के 2.1 मल्टीमीडिया स्पीकर्स, जो कि एक साउंड बार है। साउंड बार मैंने इससे पहले कभी अनबॉक्स नहीं किए, ये फर्स्ट टाइम है। ये एक 6000 वॉट PMPO के साउंड बार है। बार में क्या होगा, आपको एक सब वूफर मिलेगा और उसके साथ एक बार स्पीकर मिलेंगे, जिसमें दो स्पीकर्स है, जैसा कि इसमें मेंशन किया हुआ है, दिखाया हुआ है, इस टाइप के है। ये आप किसी भी LED TV में यूज़ कर सकते हो। सब वूफर यूनिट जो है आप साइड में कहीं पे भी रख दो, पावर में इनपुट कर दो। और ये जो साउंड बार है, इन्हें आप वॉल माउंट कर सकते हो TV के नीचे या ऊपर, जहाँ भी आप सुटेबल समझे उस हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते हो। LED TVs के लिए साउंड बार बहुत बिक रहे हैं इन टाइम पे, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आपको इसकी कुछ जानकारी और दे दूं मैं। पहले तो हम इसकी बॉक्स पे देख लेते हैं क्या क्या मेंशन किया हुआ है। इसके बॉक्स पे जो मेंशन किया हुआ है वो देख लेते हैं हम। ये है साउंड बार 2.1 है, 6000 वॉट PMPO है। इसे आप TV, DVD, PC, लैपटॉप, MP3, MP4 प्लेयर सभी की तरह यूज़ कर सकते हो। सब वूफर जो इसका है वो 30 वॉट का है, और सैटेलाइट स्पीकर्स जो है वो 10 वॉट ईच है, यानी टोटल 50 वॉट के स्पीकर है ये। सब वूफर की साइज है 5.25 इंचेस के सब वूफर ड्राइव है, और सैटेलाइट है 3 इंचेस के स्पीकर्स है इसके। और ऑक्स FM USB ब्लूटूथ सपोर्टेड है, 4.0 वर्जन बता रहे हैं ब्लूटूथ का। FM सारे चीजें है इसमें, और कुछ जो मेंशन किया हुआ है, AAA बैटरी लगेगी दो इसमें। रिमोट की जो रेंज है वो 10 फीट है, एंगल भी मेंशन किया हुआ है, और ब्लूटूथ की रेंज जो है वो है 25 फिट की है। ये तो हो गया इसकी जानकारी। और इसकी जो प्राइस है वो मेंशन की हुई है, वही सारी डिटेल्स इस पे भी मेंशन की हुई है, बट MRP स्टिकर्स जो है वो इस पे लगे हुए हैं सैटेलाइट स्पीकर पे। MRP है इसकी 4999। टोटल वेट है इसका 10.200 ग्राम, यानी 10 kg इसका वेट है टोटल। तो चलिए फटाफट मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ और इसको साउंड टेस्ट के लिए रेडी कर लेता हूँ इन स्पीकर्स को। तब तक आप वेट कीजिए थोड़ा सा। तो ये मैंने अनबॉक्सिंग कर ली है, और जो इसका फर्स्ट इम्प्रेशन है सब वूफर का, वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये देखिए, ऊपर फुल एक ग्लोजी पैनल दिया हुआ है ये। अगर इसमें डिस्प्ले आ जाए तो बहुत ही अच्छा लगे, मुझे पता नहीं है इसमें क्या है। और जो इसका फ्रंट दिया हुआ है वो भी बहुत सिंपल एंड सोबर सा है, ओनली कंपनी की ब्रांडिंग मेंशन की हुई है और फुल प्लेन है। ये साइड है इसका, नीचे स्टैंड दिए हुए हैं, ये देखिए चारों तरफ से ये ऐसा ही है। नीचे से आपको दिखा दूं मैं, नीचे से इसका जो एयर निकलेगी वो वूफर की, वो नीचे दिया हुआ है। इसके अलावा ये जो सब वूफर है इसको आपको कहीं भी पावर इनपुट नहीं देना है। ये जो केबल है वो आपके उन ट्यूटर्स में लग जाएगी, जो बार है उसमें लगेगा ये। मैं आपको इनपुट करके दिखा दूंगा। ये तो हो गया सब वूफर, देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका। ये इसका टॉप है ये, ठीक है। चलिए मैं आपको इसका बार भी दिखा देता हूँ अच्छे से। ये इसका बार है, और जैसा कि आपको दिख रहे हैं ये दोनों स्पीकर यहाँ पे है, और ये फुल ग्लॉजी बॉडी है। ये एक वुडन बॉडी है, और यहाँ से जो है इसका कुछ है कंट्रोल जो साउंड निकलेगा, नीचे से भी है। आपको साइड में से दिखा देता हूँ मैं, ये बैक से वॉल माउंटिंग है। आप इसे LED TV के नीचे वॉल माउंट कर सकते हो, दो वॉल माउंटिंग लॉक्स दिए हुए हैं, इसे वॉल माउंट कर सकते हो। ये पावर इसमें दिया हुआ है, आपको सिर्फ पावर में इन्हें लगाना है, और जो सब वूफर है वो यहाँ कनेक्ट होगा। एक मिनट देख लेता हूँ मैं, सब वूफर जो है वो यहाँ कनेक्ट होगा आउट में, और ये इनपुट्स लगेंगे आपके, जैसे ऑक्स केबल लगेगा यहाँ इनपुट में। यहाँ लिखा हुआ है आउट, सब वूफर आउट, और ये इनपुट्स है।
देख लीजिए, यहाँ पे ऑक्स केबल लगेगी और यहाँ पे यूएसबी दिया हुआ है, और ये सारे कंट्रोल्स है जिसमें है स्कैन, ये है फॉरवर्ड बटन, ये है प्ले, ये है फॉर नेक्स्ट, ये है सोर्स मोड बटन है ये सारी। और जो इसका टोटल वेट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पीकर वेट वाइज और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलिए मैं इसे आपको ऑन करके दिखा देता हूँ कैसे इसे वॉल माउंट कर, कैसे आपको इसे यूज़ करना है, किस तरह से आपको इसे लगाना है। चलिए, तो ये मैंने इसे सेटअप कर लिया है। ये जो स्पीकर, ये जो वूफर का जो पोर्ट है वो यहाँ लगेगा आउटपुट में, और यहाँ पे ये दिखा रहा है ब्लूटूथ मोड बाय डिफ़ॉल्ट इसका, और सारे फंक्शंस है इसमें। तो चलिए, मेरे पास फ़िलहाल एक पेन ड्राइव है, मैं आपको उससे इनपुट करके सॉन्ग्स प्ले करवा के दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको इसके साथ क्या आया है वो और दिखा देता हूँ। एक है केबल है, ये ऑक्स केबल नहीं है, 2:2 स्टीरियो केबल है जो आपको LED में काम आएगा। आपको ऑक्स केबल अलग से परचेज करनी पड़ेगी, इसके साथ नहीं आई है। उसके अलावा है एक रिमोट जिसमें है सारे फंक्शंस, मोड प्ले प्लॉज ये सब कुछ है। उसके अलावा इसमें भी बटन्स है सारी, कुछ यूज़र मैनुअल्स है और वारंटी कार्ड है। चलिए साउंड प्ले करके दिखा देता हूँ मैं आपको। पेन ड्राइव इनपुट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। म्यूजिक, ये ऊपर ऊपर जो बटन है वो पॉज की है, फिर है नेक्स्ट की, तो चलिए ये हमने साउंड टेस्ट पूरा कर लिया है, और अकॉर्डिंग टू मी साउंड बहुत अच्छा है इसका। टोटल जो वॉट थे इसके वो 50 वॉट्स के स्पीकर है ये, 30+20, और लुक वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप इस यूनिट को इजीली LED टीवी के साथ बिल्ड कर सकते हो, और बहुत अच्छा लग रहा है वॉल माउंटिंग करके। आप LED के नीचे अगर ये लगाते हो बाहर तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसे 10/8 दूंगा। साउंड क्वालिटी और लुक वाइज बहुत अच्छा है, प्राइस वाइज भी ये कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप कोई लेने जा रहे हो, इसकी लगभग 5000 की प्राइस है, 4500 तक आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। परचेज करते टाइम आप बिल पे वारंटी मेंशन करना ना भूलिएगा, और पक्का बिल ज़रूर लीजिएगा।
और इस इन स्पीकर्स इन बार स्पीकर्स के बारे में अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और कुछ रह गया हो तो प्लीज़ मुझे क्वेश्चन कीजिएगा। आई थिंक मैं शायद इसका मॉडल जो है इसका साउंड बार 2.1 नाम से ही आ रहा है, ओशान कंपनी का, अलग से कुछ मॉडल नंबर नहीं दिया हुआ है इसका। इन केस अगर होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। फिलहाल के लिए ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।